आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं, अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान का गौरव अनुभव करेंगे। अभी हमने G20 में दुनिया का भारत में स्वागत देखा, अब हम ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगाने वाले। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। 144 करोड़ देशवासियों के सपनों को हकीकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि मां भारती के कोटि कोटि जनों के कल्याण के लिए, विकसित भारत के सपने को सिद्ध करने के लिए, इस संकल्प पत्र को लागू करने के लिए, तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद दें, हमारी शक्ति और बढ़ाएं। इसी एक प्रार्थना के साथ देशवासियों का अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।